नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, बात राजेश खन्ना और कमल हसन की होगी। राजेश खन्ना और कमल हसन की दोस्ती का ये किस्सा है जो एक मोड़ पर आकर थोड़ा सा ठिठक गया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और कमल हसन की दोस्ती के कई किस्से मशहूर हैं। कमल हसन और काका में बहुत जमा करती थी। कहते हैं कि उनका कोई खास दोस्त नहीं था, लेकिन कमल हसन के साथ उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। दोनों सितारों ने काफ़ी समय एक साथ बिताया, लेकिन तब सब लोग हैरान हो गए जब दोनों की तकरार की खबरें सामने आने लगी। और इसका किस्सा खुद सालों बाद कमल हसन ने एक इंटरव्यू में साझा किया। एक बार मीडिया को दिए इंटरव्यू में कमल हसन ने इस किस्से को साझा करते हुए कहा कि सभी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे, लेकिन मैंने उन्हें काका कहने से मना कर दिया और इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी। मैं उन्हें बड़े भैया या मिस्टर खन्ना कहने लगा था और यही कहना चाहता था, लेकिन जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो वो भड़क गए। कमल हसन आगे बताते हैं कि हम लोगों ने बहुत समय एक साथ बिताया है। मैं साउथ का एक्टर था और उन्होंने मुझे बम्बई में इंट्रोड्यूस करवाया। वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे, बड़े कलाकार थे और एक बड़ी शख्सियत भी। राजेश खन्ना ने कई साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक में काम किया, इसलिए वो अक्सर चेन्नई में रहते थे और इसी दौरान हमारी दोस्ती की शुरुआत भी हुई। कमल हसन ने एक और किस्सा साझा करते हुए कहा कि टेंशन फ्री रहने वाले इंसान थे राजेश खन्ना। एक बार एक साथ अमेरिकी फिल्म देखने गए। सुपरस्टार बनने के बाद वो पहली बार पब्लिक थिएटर में जा रहे थे। मैंने सोचा अगर लोगों को पता चला कि राजेश खन्ना थिएटर में मौजूद हैं तो भगदड़ मच सकती है। वहीं राजेश खन्ना ने भी फिल्म को बीच में ही छोड़ देने की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिल्म तो पूरी देखूंगा। शो के बाद जब दर्शकों को पता चला कि राजेश खन्ना वहां हैं, तब भीड़ में मैं उनका बॉडीगार्ड बन गया और बड़ी मुश्किल से मैंने उनको पब्लिक के बीच से बाहर निकाला। और उन दोनों पब्लिक राजेश खन्ना के लिए पागल थी। कमल हसन की तरह राजेश खन्ना भी बेहद जिद्दी थे। काका कमल हसन की एक फिल्म के हिंदी रीमेक रेड रोज में नेगेटिव रोल कर रहे थे और साउथ के डायरेक्टर भारती राजा ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। ये फिल्म साल 1980 में रिलीज हुई और फिल्म का जब मुहूर्त होना था तब उससे ठीक एक दिन पहले राजेश खन्ना ने कमल हसन को फ़ोन किया और उनसे कहा कि उन्होंने सिगप्पू रोजाकल में जो टोपी पहनी थी वो मंगवाई। लेकिन और ये फिल्म दरअसल सिगप्पू रोजाकल वही थी जो बाद में रेड रोज के नाम से राजेश खन्ना ने की। इसमें पूनम ढिल्लो भी थी, लेकिन कुरियर सर्विस न होने की वजह से कमल हसन ने उन्हें ना कह दिया कि मिस्टर खन्ना मैं आपको वो टोपी नहीं भिजवा सकता। बस फिर क्या था, राजेश खन्ना ऐसे जिद पर अड़े कि कमल हसन को टोपी वो खुद देने के लिए चेन्नई से उनको मुंबई आना पड़ा और टोपी पहनकर ही राजेश खन्ना इस मुहूर्त में शामिल हुए। ये दोस्ती ही थी, वरना कौन ऐसा करता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।